नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा अब भी टला नहीं है बल्कि जारी है। हालांकि पिछले 25 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना वायरस के सबसे कम मामले देखने को मिले हैं। रविवार को कोरोना के 2,81,000 से ज्यादा दैनिक मामले सामने आए हैं, लेकिन एक दिन में हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। देश में धीमी हुई कोरोना की दूसरी लहर। बीते दिन कोरोना ने पार किया 2,81,000 का आंकड़ा। कोरोना से बीते दिन 4,077 मरीजों ने गवाई जान। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,49,00,000 के पार। देश में धीमी हुई कोरोना की दूसरी लहर। बीते दिन कोरोना ने पार किया 2,81,000 का आंकड़ा। कोरोना से बीते दिन 4,077 मरीजों ने गवाई जान। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,49,00,000 के पार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन देश में कोरोना के 2,81,386 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,106 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के सामने अपनी जिंदगी की जंग हार दी है। वहीं राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में 3,78,741 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस महीने ऐसा चौथी बार हुआ है जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,49,00,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें से 2,11,00,000 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। आपको बता दें कि घट के कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या में भी भारी कमी दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 35,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक देश में कोरोना से 2,74,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं देश में वैक्सीन अभियान भी लगातार जारी है। देश में अभी तक 18,29,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। साथ ही देश में कोरोना के मामलों में कमी स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए राहत की बात बने हुए है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।